हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं नीलम स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने नए ब्लॉग पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मायके से, क्योंकि रात हमारा यही रुकना हुआ था। तो अब हम लोग जा रहे हैं, जो दुल्हन को दूसरे दिन रस्म होती है गिफ्ट देने की, तो अब हम लोग जाएंगे वहाँ पे गिफ्ट देने, साड़ी वगैरह, और वहाँ से फिर आएंगे खाना खा के। तो सब लोग हम तैयार हो चुके हैं, मेरी एक बुआ बची है तैयार होने के लिए, मैं उसको दिखा रही हूँ। और ये देखो, ये तैयार हो रही है तो मुंह छिपा लिया है इन्होंने, कहा कि मैं फुल तैयार होके तब दिखाऊंगी चेहरा, तो दिखाऊंगी इनको बाद में। तो अभी हो रही है ये तैयार, इसलिए कहा कि बाद में दिखाऊंगी। फिर भी मैंने जबरदस्ती इनको सूट किया, तो दिखाती हूँ अब इनका फुल मेकअप होने के बाद, फुल साड़ी वगैरह, मतलब कंप्लीट तैयार होने के बाद दिखाती हूँ। और बुआ लोग, जो मेरी छोटी वाली बुआ रह गई थी, वो भी आज आ चुकी हैं, क्योंकि दूसरे दिन भी मेहमान बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए हम लोग फिर से दूसरी साड़ी पहन के और तैयार हो चुके हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को शादी वाले घर, जो आज रस्म है दूसरे दिन की। हम लोग जा रहे हैं साड़ियाँ लेके अपनी अपनी, और ये इतनी खतरनाक बहना मिली है ना मेरे को, ये है मेरी ताई जी की लड़की, उससे दो बहनों के बाद ये छोटी वाली, चुप कर ले, तो ताई दिखा ले। तो ये है मेरी ताई, और इसकी साड़ी वगैरह ना ताई पकड़ के ले जा रही है, क्योंकि ये हेल्पर बना रखा है इसने ताई को। और बुआ लोग, हम सब देखो अपने अपने थैला लटका के जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गांव में रस्म होती है साड़ियाँ देने की, तो साड़ी के साथ कोई भी गिफ्ट दे दो या खाली साड़ियाँ दे दो। तो मैं लेके जा रही हूँ पैर की बिच्छू, और ये लोग भी साड़ियाँ लेके जा रहे हैं सब, मतलब जो जो जिसकी सोच, जैसे जिसकी इच्छा वो ले जा सकता है सामान। तो हम लोग पहुँच गए हैं अब शादी वाले घर पे। तो शादी वाले घर पहुँचने के बाद ये है मेरे चाचा जी, जो है दूल्हे के पापा, और ये है मेरे गांव से मेरे पड़ोसी चाचा, ये है मेरे पड़ोसी चाचा, और पता नहीं कब से नहीं देखा, बचपन से नहीं देखा, पता नहीं कितने दिन के बाद देखा है, सच्चे शादी के बाद, क्यों शादी का नहीं होगा वरना देखो चाचा का। और ये चाचा है, तो ये है मेरी चाची जी, इधर दिखाओ चाची, ये कितना शर्मा रही है, अरे देख दे ना, देखेंगी ये देख ले इस बार। और ये है यहाँ की रौनक, क्या करें, देखेगी ना तो, देखेगी ना तो, है मौसी देखेगी ना वीडियो। नाम बताओ, नाम बताते गाँव, तू कल डांस ना करी मौसी, तू कल डांस ना करी, साड़ी 20 रुपया, मतलब हम बहुत दिनों के बाद मिले ना, तो यही मिले जगह, जो कह रही चुप कर ले। तो गाइज, गिफ्ट देने के बाद हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और बुआ आगे आगे चली गई हैं सारी, एक बुआ को पीछे छोड़ आए हैं, और बाकी खाना खा रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ, ये मेरी बुआ कैसे बुला रही है, खाना खा लो, अकेले के लिए खा रही है, मेरे लिए भी नहीं रखा है, खाना खा लो खाना। ये बैठी है मेरी ताई और बहना बिना पत्ते लेके, अब ये इंतजार कर रही है पत्तों का, मैं ताई भी रख दियो थरिया। ये पता नहीं झोपड़ी में घुसे हुए हैं मेरे दादा, ये है दा, ये कह रहे मेरे को भी तो ले वीडियो में, ये लो बहुत सारा ले लिया, बहुत सारा ले लिया। और ये मेरे ताऊ जी कान खुजला रहे हैं बैठे बैठे, खान खा लो ताऊ, खान खा लो, अच्छा ये है मेरे ताऊ जी, तो सब्सक्राइब करोगे तो आगे ना क्या। तो
गांव में हम कुछ इस तरह से बैठते हैं खाना खाते हैं, नीचे जैसे कि पहाड़ों में बैठते हैं, मैंने देखा है वीडियो में, पहाड़ों में भी कुछ इसी तरह खाना खाते हैं, नीचे चटाई में बैठ के। और हमारी यहाँ बनी है, हम बोलते हैं इसको झोरी, तो कतरा वाली झोरी और गोभी की सब्जी। और मेरी बुआ देखो कैसे खाने, और मैं खाना खाने बैठती हूँ तो इन्हीं के साथ बैठ जाती, क्योंकि इससे पहले वाली शादी में आप लोगों ने देखा था तब भी हम लोग एक साथ खाना खा रहे थे। और आज भी है, तो आप लोगों को आज की थाली दिखाती हूँ अपने खाना खाने वाली। तो इसे बोलते हैं हम लोग कतरा, और ये है झोरी हमारी, और ये है गोभी की सब्जी, बाकी चावल।